हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमेधा कोठालकर और मैं MDS हूं और आज मैं आपको मसूड़ों की बीमारी के बारे में बताने वाली हूं। दोस्तों, क्या आपके मसूड़ों में से खून आता है और आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। ये पायरिया की बीमारी के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पायरिया की बीमारी हो गई तो मुँह में ये फैलने लगती है और इसका इलाज नहीं हो सकता, पर यह सही नहीं है। अगर शुरुआती लक्षण हमें पता पड़ जाए तो हम इसका इलाज ज़रूर कर सकते हैं। मसूड़ों की बीमारी के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, इस अवस्था में मसूड़ों में हल्की सूजन होती है और ज़रा भी छेड़ने पर मसूड़ों में से खून आ सकता है। इस अवस्था में मरीज़ को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। मसूड़ों और दांतों के बीच में प्लाक यानी खाने के बारीक कण जमने लगते हैं, जिसके वजह से इसमें मौजूद कीटाणु विषैले तत्व पैदा करते हैं, जिसके वजह से मसूड़ों में सूजन आने लगती है। यदि इस समय पे मरीज को इलाज मिल जाए तो हम पायरिया को यहीं रोक सकते हैं। स्टेज 2, इस स्टेज में हड्डी और मसूड़ों के तंतु जो दांतों को सपोर्ट देते हैं वो खराब होने लगते हैं और मसूड़ों के बीच में पॉकेट बनने लगता है, जिसमें और ज़्यादा प्लाक डिपॉजिट होने लगता है। कई बार मसूड़े सूज जाते हैं, फूल जाते हैं और इसमें दर्द भी होने लगता है। स्टेज 3, इस स्टेज में हड्डी और मसूड़ों के तंतु और भी ज़्यादा खराब होने लगते हैं, जिससे मसूड़े गलने लगते हैं, दांतों में गैप आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, जिससे हमारी चबाने की क्षमता और भी ज़्यादा कम हो जाती है और अगर ध्यान न दिया जाए तो दांत अपने आप ही गिर सकते हैं। इस अवस्था में मसूड़ों में पस भी भर जाता है और दर्द भी होता है। तो ये थी मसूड़ों की बीमारी के अलग अलग स्टेजेस। अब आगे देखते हैं इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर आपकी बीमारी स्टेज 1 में है तो आप इसे ब्रशिंग या फ्लॉसिंग अच्छे तरीके से करके भी इसे यहीं रोक सकते हैं। अगर ये प्लाक जम जाए और सख्त हो जाए तो हम इसे कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, जिसे डेंटिस्ट अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा साफ कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे मसूड़े वापस स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्केलिंग कहा जाता है। स्टेज 2, इसमें हमें स्केलिंग के साथ साथ क्यूरेटिंग भी करना पड़ता है। इसमें मसूड़ों को सुन करके दांत की जड़ तक की सफाई की जाती है, जिससे मसूड़ों के अंदर की गंदगी हटाई जा सके। स्टेज 3, इसमें हम स्केलिंग क्यूरेटिंग के साथ साथ फ्लैप सर्जरी भी करते हैं। फ्लैप सर्जरी में हम मसूड़ों को दांतों से हटाकर बीमार हड्डी और खराब मसूड़ों के अवशेष को साफ किया जाता है और मसूड़ों को दांत से टाके लगाकर वापस जोड़ दिया जाता है। ज़्यादा खराब दांत होने पर हमें निकालना भी पड़ सकता है और कमज़ोर दांतों को हम सपोर्ट देके स्प्लिंट कर सकते हैं। स्टेज 2 के बाद डॉक्टर आपके दांतों का एक्सरे लेते हैं, जिसे OPG बोलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके दांतों की हड्डियों में कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके मसूड़ों में से खून आता है या आपके मसूड़े लाल हो रहे हैं या सूज रहे हैं, अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है या आपके मसूड़ों में से पस निकल रहा है, अगर आपके दांत ढीले पड़ रहे हैं, यदि आप अच्छे से चबा नहीं पा रहे हैं और मुंह में खराब स्वाद आ रहा है तो अपने डेंटिस्ट की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।